हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से निर्मलास किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मसाला भात की रेसिपी। मसाला भात एक राइस रेसिपी है, इसे बनाना बहुत आसान है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए, और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाउ टू मेक मसाला भात। मसाला भात या मसाला राइस बनाने के लिए मैं यहाँ लूँगी एक कप चावल, और इन्हें मैंने पानी में उबाल लिया है। एक बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, इन्हें ऐसे पतला पतला स्लाइसेस में काटा है, दो कटी हुई हरी मिर्च, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, खड़े मसालों में लेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, एक साबुत लाल मिर्च लिए, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, एक तेज पत्ता और 4 लौंग, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, मैं यहाँ तकरीबन 1.5 टीस्पून ले रही हूँ, और 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में तेल डाल देंगे। अब तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें ऐड कर लेंगे राई, जीरा, तेजपत्ता, लौंग और लाल मिर्च, इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको 10-12 सेकंड के लिए हम भून लेंगे लो फ्लेम पर, या जब तक कि इनमें हल्की खुशबू ना आने लगे। इन खड़े मसालों की वजह से जो मसाला भात बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जब भी आप कोई राइस रेसिपी बनाएं तो उसमें खड़े मसाले जरूर डालें। तो अब हम पतला लंबा कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। मैंने प्याज को लंबा और पतला काटा है, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। प्याज को 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। प्याज अब हल्का लाइट येलो कलर का हो गया है, तो अब इसमें ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली। अब इसमें ऐड कर लेंगे लंबी पतली कटी हुई शिमला मिर्च और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इसके में हल्का क्रंच आ जाए, यानी कि ये हाफ कुक हो जाए, बस उतनी ही पकाएंगे। तो ये देखिए, ये हल्की सॉफ्ट हो गई है, और जो प्याज है वो और भी डार्क ब्राउन कलर हो गया है। तेज पत्ता निकाल लेंगे। अब इसमें डाल लेंगे कटा हुआ टमाटर, और टमाटर को भी मैंने प्याज और शिमला मिर्च की तरह ही लंबा और पतला काटा है, इससे जो हमारा भात है वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब इन सब चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें सूखे मसाले डाल लेंगे। तो ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को भी इसमें अच्छे से पका लेंगे। मसाला भात बनाना बहुत ही ईजी है, और ये फटाफट बन भी जाता है, और खाने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब ये मसाले भी पक चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे उबले हुए चावल। मैंने चावलों को नमक डालकर उबाल लिया है। नमक डालने से जो चावल है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो जब आप चावलों को उबालें तो उसमें थोड़ा नमक ज़रूर ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे, तो नमक उस हिसाब से हम कम ही ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि चावलों में पहले से भी नमक है थोड़ा। अब चावलों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर लगने लगे हैं चावल। सारे मसाले अच्छे से चावलों में मिक्स हो गए हैं, तो अब इन चावलों को हम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से खिल भी जाएं और मसालों का फ्लेवर चावलों में आ जाए। तो जब भी आप चावल बनाएं तो चावल बना के उन्हें थोड़ी देर के लिए ढक के रख दीजिए, इससे चावल हैं वो एकदम खिले खिले बनते हैं। अब धनिया पत्ती डालकर इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। धनिया पत्ती को अच्छे से इन चावलों में मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मसाला भात बनाना कितना इजी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करना ना भूलें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।